थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ब्लॉग थोड़ा कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों अभी हम सुबह का भी 9 बजा है और अभी हम नौबतपुर में हैं। नौबतपुर में भी पहुंच चुके हैं, मतलब सुबह निकलते हैं, रात को ही निकलते हैं घर से लगभग 10 बजे। तो अभी नौबतपुर पहुंचे हैं और यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। ये देखिए नौबतपुर कंटिन्यू, उस तरह ब्लॉग बना नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही मोबाइल से दोनों को काम चलाना पड़ा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ब्लॉग कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों अभी हम सुबह का भी 9 बजा है और अभी हम नौबतपुर में हैं। नौबतपुर में भी पहुंच चुके हैं, मतलब सुबह निकलते हैं, रात को ही निकलते हैं घर से लगभग 10 बजे। तो अभी नौबतपुर पहुंचे हैं और यहीं से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। ये देखिए नौबतपुर में पंप में जहाँ डीजल बराबर लेते हैं इंडियन ऑयल के पंप में, यहीं पे अभी हैं। तो अभी डीजल के लिए ओटीपी आया नहीं है पैसा। दोपहर का 12:30 बज गए दोस्तों और अभी तक ट्रांसपोर्ट वाला अभी तक एडवांस नहीं डाला जो हम माल लोड किए उसका, उसी कारण हम डीजल यहाँ पर ले नहीं पा रहे हैं। तो अभी आ रहे हैं फिर खाना खाने के लिए, कह के बहुत इंतज़ार कर लिए उनका, तो अभी तक पैसा डाला नहीं, बोला डाल रहे हैं अभी तक डाला नहीं। देखिए अभी पंप पर ही हैं, तो यहीं आगे में होटल है, वहीं पे खाना खाते हैं ताकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। और इतना लेट होने के कारण है कि टेंशन, मोबाइल वाला टेंशन हमारा जा ही नहीं रहा है, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, टेंशन तो आता जाता ही रहता है। आज का खाना है हमारे दोस्तों दाल है, आज का हमारा खाना ये रहेगा। गर्मी में नॉर्मली खाना अच्छा रहता है, खाना खाते हैं। खाना खा के आ गए हैं दोस्तों गाड़ी में, धूप ऐसे बहुत ज़्यादा है, तो पहले आराम करते हैं 2 घंटा, क्योंकि डीजल लगता है शाम से पहले मिलने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए दोस्तों अभी तो पहले डीजल ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ से डीजल लेके उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि दिन भर ऐसी भी खराब रह गए यहाँ डीजल के कारण। डीजल उजल लेके कंप्लीट हो गए दोस्तों, फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, तो दिन भर सफर भी निकालते हैं, सफर का आते हैं। बच गया दोस्तों और अभी हम इलाहाबाद बाईपास में हैं, ये देखिए एंट्री किए हैं, थोड़ा तो टायर रूट देख रहे हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। इधर बारिश हुआ था अभी, लेकिन बारिश हुआ लेकिन फिर भी भाप बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, गर्मी तो अभी भी बहुत गर्मी है। डिवाइडर में देखिए भीगा हुआ है ज़मीन, तो बारिश फिलहाल ही हुआ है, तो अभी आधा घंटा हो गया रुका हुआ, तो टायर रूट ठीक है, तभी निकलते हैं फिर बाईपास पूरा पार करके उधर फिर राम होटल में खाना वाना खाएंगे। तो रात का 12 बज गया दोस्तों और अभी हम पहुंच चुके हैं होटल, देखिए फिर राम होटल पहुंच चुके हैं। अभी हम पहले खाना खाते हैं, विकास सोया हुआ है, अभी उठाते हैं पहले। ए विकास उठो, चलो खाना खा लो। क्या हमारा खाना है, मिक्स वेज और रोटी, भुजिया भी, अचार भी है और सलाद भी, बोले खाना खाते हैं, कहीं धूप बहुत ज़्यादा लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ब्लॉग पे आज हमारा दूसरा दिन है, अभी फिलहाल तो हम चौरा पहुँच चुके हैं, रात को खाना खा के निकले वगैरह पहुँचे हैं, तब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ गए तो भरवा रहे थे। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।